भाई लेफ्ट एक स्काउट ऐसे तो रिलेशन खराब बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया गाइस। ये मेरा एक्स टीममेट था पता है तुम लोगों को। सिनर्जी ठीक है टीम में, नर्वस की बात कैसे करूंगा सबसे। 968 पिंग था। यूजर नेम बायो चेंज किया जेली ने। सिंपली आज खेला है 8 बिट ने। टोटल अगर बात की जाए तो फ्रैक्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, बट फाइनली स्नैक्स का नेड आया चूसी हुए डाउन। अब वो कर रहे थे टॉप थ्री में अपनी टीम को लेके आए, बट सब कूदेंगे सुपरमैन जंप के साथ। चारों प्लेयर्स एक ही खिलाड़ी वहां पर फंस गया, पर ये क्या हुआ स्लग? वो दो खिलाड़ी स्लग को एलिमिनेट करने के लिए गए और उन दोनों खिलाड़ी बाय लेफ्ट टीएक्स। मेरे को कुछ लाइक नया एक्सपीरियंस करना था, मेरा इन लोगों से बातचीत था एंड मैंने इन लोगों से बातचीत किया एंड इस टाइम आप लोग देख सकते हो जोकर भी इधर अवेलेबल था, लाइक इसलिए जोकर उधर गया एंड मैं इधर आया, तो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। एक ही फैमिली है दोनों, ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मेरे को किसी से कुछ बीटी है या कुछ भी, मेरे लिए सब भाई है। टीममेट, अरे गाइस मेरा एक्स टीममेट था पता है तुम लोगों को, आदि मेरा एक्स टीममेट था। वो भी बोल दो तूने मेरे को क्या बोला था। ओए भाई वो मत बोल दियो यार, इतना बोल सकते हैं मैंने तेरे को भाई इज्जत भरी कर दिया था। हाँ भाई इसने निकाल दिया था लाइनअप से, पता है मेरे को कि भाई तू जा बेस्ट ऑफ लक बड़ी लॉबी को भगा भगा के मानना, पूरा हम अपना बेस्ट देंगे सब कुछ करेंगे। इन गेम नेम में जॉर्ड के बिना फील नहीं आ रहा भाई यार, मैं क्या करूँ कि वो पता है क्या हुआ जॉर्ड उधर लग नहीं पा रहा क्योंकि आइकोसोल निंजा हो रहा है उसके आगे है नहीं। बट ये बोलना चाहूंगा कि मैं जितने भी मेरे को टीएक्स में सपोर्ट किया थे लाइक थैंक यू सो मच भाई लोग, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, खासकर मैं अपने सारंग स्प्रे शेडो ऑसम भाई मोगैम्बो हो गया दक्ष हो गया इन सबको बहुत उर्वेश हो गया बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई तुम लोग तो फैमिली है भाई, फैमिली हमेशा फैमिली रहती है, तो वो लोग मेरे भाई जैसे अभी भी मैं उनसे बातचीत करता हूँ। एंड सबसे मेन बात स्काउट भाई, स्काउट भी मेरे हमेशा थे हमेशा है हमेशा रहेंगे मेरे को पता है, तो ऐसा कुछ नहीं एक ही फैमिली है हम। स्काउट से तो रिलेशन खराब हो ही नहीं सकता भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बिना बातचीत किए सब कुछ ऐसा थोड़ा ना होता है, मैंने उनसे बातचीत की थी सबसे पहले थे जिनको मैंने उनको जाके बोला, बिना बातचीत के थोड़ा ना कोई चीज़ होता है यार। अब मेरे को ये पता है कि मैं स्काउट भाई हमेशा मेरे लिए है रहेंगे कोई भी चीज़ हो, स्काउट भाई ऑलवेज स्काउट भाई। सिनर्जी ठीक है टीम में, आप कहाँ हम लोग पहले खेले हैं गाइस तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ बीटी नहीं है। मान्या की आईजल कैसी लगी? माने तो भाई वो सब आप सबको पता है भाई, ऑब्वियसली वो इतना ही तगड़ा आईजेलिंग करता है भाई, खेला हूँ मेरे को पता है। वैसे आज हमारा फर्स्ट डे था तो आज हमने साथ में प्रैक्टिस किया, फीलिंग्स आफ्टर जॉइनिंग सोल बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मज़ा आ गया, कि पहले तो थोड़ा ये लग रहा था कि नहीं नर्वस की बात कैसे करूँगा सबसे उधर अंदर जाके सब कुछ, बट हाँ धीरे धीरे हो गया, अभी बढ़िया लग रहा है मज़ा आ गया। अब बस मेन फोकस है BMPS, लेट्स सी गॉड्स प्लान। पहला मैच में हमारा जब हम लोगों ने फाइट ली उस जोन में, जब हम लोग मर रहे थे, जब हमारा उधर आया तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो तब हमारा 968 पिंग था, चारों टीममेट्स का 968 पिंग था। द गेम वॉज लैगिंग देयर। और सेकंड मैच में हमने चिकन थ्रो किया, थोड़ा सा हो गया, सबसे हमसे गलती हो जाती है कोई बात नहीं। और थर्ड मैच मेरी भी काफ़ी मेजर गलती थी और थोड़ा 20 से भी ओवर हो गया, बाकी थोड़ा बेटर हो सकता था बट कोई बात नहीं, होता है समटाइम इट हैपन्स। 968 पिंग नहीं होती है भाई, आई विल शो यू द रिकॉर्डिंग गाइस डोंट वरी। वो 968 इसलिए गई क्योंकि वो कुछ सर्वर ग्लिच था, सर्वर डीले था और सर्वर लैग था, जिसकी वजह से हमें उस पिंग को फेस करना पड़ा और गेम पूरा लैग हो गया। जेली लीव कर दिया, सच में गया, मजाक मत करो, जेली चला गया सच में, थैंक यू फॉर योर सर्विस डाल दिया क्या उन्होंने? नहीं मुझे नहीं पता, चैट में बोल रहे हो तुम लोग, ऐसा है क्या? नहीं हाँ तो अफवाह क्यों उड़ा रहे हो तुम लोग, अफवाह मत उड़ाओ भाई, अफवाह मत उड़ाओ, इस तरीके से गलत बात है। यूजर नेम बायो चेंज किया जेली ने। तुम लोग इतना सारी चीजें देखते रहते हो क्या? अगर ऐसा है तो BMPS वो नहीं खेल रहा है, ये गलत हो जाएगा यार, BMPS बहुत बड़ी चीज है भाई। लेकिन सही में यार अगर वो BMPS नहीं खेल रहा है तो फिर तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली BMPS बहुत बड़ी चीज है, और अगर वो BMPS नहीं खेल रहा है तो फिर तो बहुत बड़ा गैप एक हो जाएगा। वैसा जली के लिए नहीं, जितने भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो बहुत टाइम से ई-स्पोर्ट्स में हैं, और अगर वो BMPS नहीं खेल रहे हैं तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है, लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। तो जितने भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो BMPS मिस कर रहे हैं उनके लिए खराब चीज तो है, पर 128 टीम में आप अपनी जगह नहीं बना पाए ये थोड़ा सोच से परे है, पर ठीक है। 128 टीम है यार, 128 टीम है भाई, 128 टीम में एक मतलब
जली गॉडलाइक से रजिस्टर है बीएमपीएस। अरे तुम लोग एक चीज पे टिके रहो भाई। वैसे मैं जली के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल हर एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी नहीं खेल रहा है। जली लीव कर रहा है गॉडलाइक, कल मालूम पड़ेगा यहाँ पे अच्छा खेलना। जी हाँ, प्लेइंग फोर क्या होगा उसके ऊपर भी नजरें जरूर रहने वाली, यहाँ पे फ्रैग्स काफी ज्यादा है उनके पास। जी हाँ, और साथ ही साथ आरडीएक्स, अब उनकी बारी आती है कि वो जोन के अंदर पहुंचाए, पर मवी उन्होंने सैयद को देख लिया, जैक्सन वो भी एलिमिनेट कर दिया जाएंगे, सैयद उनका भी एलिमिनेशन। यानी कि टीम जी जिनके अभी तक चार खिलाड़ी मौजूद थे, शायद अब एक या दो खिलाड़ी के साथ बचे रहेंगे। स्लेयर एक बढ़िया ग्रेनेड पूकी, उनको डाउन किया जाएगा, पर स्लेयर वो खुद भी स्पॉटेड थे जूसी के द्वारा, वो भी डाउन कर दिए गए इनफर्न। और ये पलटवार हुआ है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के ऊपर, और हम बात कर भी रहे थे कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर है, पर एक ग्रेनेड आया वेक्सी को डाउन करेगा और स्काउट ओपी वो प्ले जोन का शिकार होंगे, तो ये बढ़ाएगा। और हुआ वैसा, वो गाड़ी ब्लास्ट हुई इस बार उस नेड से, और निंजा बॉय वहां पे डाउन हुए बीस्ट। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, बट वो संभल भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। टीम प्ले आज खेला है 8-bit ने। टोटल अगर बात की जाए तो फ्रैक्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, बट फाइनली स्नैक्स का नेड आया चूसी हुए डाउन। स्नैक्स ओपन में थे, पकड़े गए आदित्य द्वारा, ट्रेड लिया गया उनका, पर वीएसटी का स्पीड और 8-bit के वहां पे दो खिलाड़ी, जो एक नॉक पड़ा होता वो समाप्त हुआ, माइटी वो नॉक कर दिए गए डैजल। जब तक ये खिलाड़ी बचा है तब तक कुछ भी संभव रखे हुए थे, और डैजल ने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, सामने से हाइड्रो को उन्होंने आते हुए देखा, पर बाकी जो पीछे खिलाड़ी थे उनको वो नहीं देख पाए। उनका एडवांटेज देखेंगे, पूरा जोन का एडवांटेज सिली के पास है। मैक हुए डाउन एक छोटे से पत्थर के पीछे, यहाँ पे दो 8-bit के खिलाड़ी सीट स्विच करके बाहर निकले, ओपन में से जाने की उनको कोशिश करनी ही थी और वो कोशिश करी उन्होंने, बट अभी के लिए चलेंगे हम सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स के ऊपर। और वहां पर पहला फायदा के पास, और वो आर्थर थे, और साथ ही साथ स्लेयर का माप फ्लेक्सी, उनको सैयद के द्वारा एलिमिनेट किया गया, पर सैयद खुद वहां पर निंजा बॉय के शिकार होंगे और दिक्कतें थोड़ी ज्यादा टीम जी के लिए, पर सैयद कम से कम उन्हें वो फिनिश मिला। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि जैसे ही यज्ञेश डाउन हुए वीएसटी जी भी हमें बाहर होते हुए देखने को मिल चुके। स्नैक्स से एक 1v1 का चैलेंज यहाँ पे रहेगा, यूएमपी के साथ अटैक कनेक्शन मिलेगा, एक बेहतरीन यहाँ पे 1v2 करने में कामयाब हुए। मैच में 8-bit जो चिकन डिनर नहीं निकाल पाए थे, इस मैच में शायद वो कोटा वो पूरा करे, पर बहुत ज्यादा आगे निकल गए स्लग, और मैड्रिक को मौका मिला कि वो उस खिलाड़ी को नॉक कर पाए, पर निंजा वो गाड़ी के ऊपर बैठ के उनको लगा कि शायद कोई देख नहीं सकता, पर निंजा बॉय देख सकते हैं और बहुत ज्यादा। पर मैड्रिक चार फिनिशेस के साथ अभी तक दूसरे के अगेंस्ट 8-bit वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स उस चिकन डिनर के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है। 8-bit जो कि अभी तक फाइट नहीं किए थे, अब फाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले बीस को गिराने में कामयाब हो चुके हैं इस रीड के साथ। क्या वो और ज्यादा एग्रेशन दिखाएंगे? स्लग एक ऑफ एंगल हमें करते हुए देखने को मिल रहे, बाकी सारे खिलाड़ी सामने की तरफ बढ़ रहे, रिवाइवल की जो कोशिश थी वो कामयाब ना हो सके, इसका ध्यान रख रहे आदित्य। ग्रेनेड बहुत कमाल के था, और इसके बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके अपने मैन एडवांटेज को गंवाते ही चले जा रहे हैं। अब तो मौका भी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी वहां पर फंस गया, पर ये क्या हुआ? स्लग, वो दो खिलाड़ी स्लग को एलिमिनेट करने के लिए गए और उन दोनों खिलाड़ियों को स्लग ने डाउन कर दिया ग्रेनेड के साथ। और मुझे लगता नहीं है कि 8-bit अब कहीं से भी आगे जाने वाली है, पर आदित्य फाइनली उन्होंने स्लग को देख लिया, डाउन करे जाएंगे पर आदित्य होगा नहीं, सर्कल का भी श्रृंखार है, बट रिवाइवल होने कैसे दे रहे हैं यहाँ पे 8-bit, वो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, उनको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली। आदित्य आगे आए जरूर से, लेकिन मवी को स्पॉट किया गया, रिलोड में होते हैं, और इसी के कारण उन्हें यहाँ पे इस मैच से अपने अंक कौन सी टीम अपने खाते में लेकर के गई है, जहाँ पे सबसे ऊपर पहले मैच में भी वो 9 अंक लेकर गए थे टॉप क्लैश है तब भी, बट यहाँ तो टॉप क्लैश है और बहुत भयानक टॉप क्लैश है। आते ही सैयद ने वो पहला फ्लैग निकाला, सरियोटन को भी यहाँ पे डाउन किया गया स्काउट ओबी के द्वारा। क्रैक्स, क्या अब वो कुछ खास कर पाएंगे? स्काउट डिस्ट्रैक्शन का काम जैसे मैंने कहा, बट शॉट्स आए फाइनली दूर से, अब पोजीशन पता है यहाँ पे प्लेयर्स को, आना पड़ेगा और फाइनली क्रैक्स ऊपर गए, बट स्काउट उनका स्प्रे, उनका एम अभी भी अव्वल दर्जे का, बट कैरिलो फाइनली स्काउट को करा डाउन। अभी के लिए तो बच के आगे निकले जरूर है, मवी स्पॉट किया, स्प्रे दिया, नॉक किया, जाएगा नहीं जी हाँ, जो चाहते थे कनेक्शन बना पाए वो उतना बेहतर हुआ नहीं, और काफी अच्छा एंगल ऑलरेडी यहाँ पे बाकी दो खिलाड़ियों ने बना, वो ऐसे तो बच के आपको रहना पड़ेगा, बट एटर्नल का नेड आया, बीस हुए डाउन, बाकी प्लेयर्स पुश करना चाहिए, बीस को बचाने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, कर सकते हैं, इससे बचने की जरूरत है, थोड़ी संभलने की जरूरत है, लेकिन निंजा बॉय काम को आसान कर रहे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया अपोनेंट को, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं कॉल मिल चुका होगा कि अब आप जा सकते हैं, और यहाँ पे निंजा जॉट को डाउन करने में कामयाब हो चुके। स्लग जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था एग्जैक्टली वही हुआ, शॉटगन से सीधा हेड, जाए क्या पुश करने या फिर रुके यहाँ पे, बट एटर्नल फाइनली स्पॉट किया, स्लग के द्वारा खत्म किया गया ग्लोबली। व्हीकल अच्छे खासी मात्रे में हमें प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिल जाए, रोटेशनल क्लैश होने की जो संभावनाएं थी वो यहाँ पे पूरी होती हुई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। मवी की तरफ से एक बहुत कमाल का स्प्रे,
आरे के ऊपर कंटिन्यूअसली वो डैमेज दिया जा रहा, व्हीकल ब्लास्ट होने के कंडीशन में उनकी एचपी उतनी ज्यादा बेहतर है और इसी के कारण एक और नॉक हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बेहतर करे यहाँ वही सिली स्काउट को यहाँ पे डाउन किया गया, एक नीड यहाँ पे जरूर आया बट बाकी स्पॉट कर रहे हैं दूर से, बहुत आसान वहां पे फिनिश हो सकता है उनके लिए। जेनिक्स एफएम खतरों का सामना उनको करना पड़ रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल क्योंकि स्मोक के अंदर भी उन्हें कंटिन्यूसली आप देखिए वो डैमेज हम देख पाएंगे साफ साफ। आखिरी वो खिलाड़ी उनकी बेच भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में व्हीकल भी अगर ब्लास्ट होता है तो उससे बचना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट तीन प्लेयर्स के साथ ही अटैक करना चाहती है इस टीम पे? सवाल तो पूछा मैंने, जवाब है हाँ। जी हाँ, क्योंकि एक ग्रेनेड से फाइनली वो कनेक्शन यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं तो उनके पास एडवांटेज रहेगा, लेकिन उनको देखना भी आसान रहेगा। जो मैं बात कर रहा था एग्जैक्टली वही हुआ, मवी वहां पे ओपन में पाए गए और उन्हें वहां पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। टी चाले जहाँ पे व्हीकल के ऊपर बैठ के स्प्रे करना चाहेंगे, कनेक्शन जरूर से यहाँ पे मिला तौर के ऊपर लेकिन इतना नहीं कि उन्हें नॉक कर पाए। देखिए इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है निंजा बॉय के पास, एक और प्लेयर को डाउन जरूर किया बट अब कुछ की पारी है, निंजा बॉय वो नॉक करना चाहते हैं बट अब आखिरी प्लेयर बचे थे स्लग जिन्होंने रिवाइवल दे दिया मवी को, अब अटैक तो करना पड़ेगा। स्लग के पास एचपी है नहीं, मवी वहां पे दूर थे, जोन का भी प्रहार था उनके ऊपर और इसी के साथ ग्लोबली स्पोर्ट्स का ये जो विजय रथ चल रहा था इस मैच में वो समाप्त होते हुए दिखा। बट 8-bit 10 फ्रैग इनके नाम के आगे, रोक सको तो रोक लो 8-bit को, रखा हुआ है मतलब बैक स्टैप को बैक स्टैप कर सकता है वो प्लेयर भी, काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा। बट टेस्क कॉशस उनकी तरफ से एक नेट दागा गया, डाउन किया हाइड्रो को, ये गेम बना सकते हैं बट फाइनली जैसे मैंने कहा एक प्लेयर पीछे जो बैक स्टैबर को बैक स्टैब करेगा और इसी के साथ रिवाइवल की प्रक्रिया वो भी करते थे वरना 8-bit उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आप देखिए कंटिन्यूअसली वो स्मोक ताकि वो टाइम बाय कर सके बट माइटी सीधा व्हीकल के साथ जाके कनेक्शन हो सकता था उस व्हीकल के साथ लेकिन डैमेज अपने आप को बहुत ज्यादा कर लिए माइटी कंटिन्यूअसली, वो अभी भी राउंड कर रहे हैं, वो डैमेज हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी हमें आगे जाते हुए देखने को मिले ज्यूसी बिल्कुल उनके सामने एक खिलाड़ी, क्या वहां पे डाउन होंगे या डाउन कर देंगे? डाउन हो गए ज्यूसी और इसका फायदा यहाँ पे अपोनेंट उठाएंगे लेकिन उसके बाद माइटी आके बहुत ही अच्छा वहां पे ओपनिंग दिलाएंगे अपनी टीम को। की फाइट बन सकती है रिवाइवल अगर नहीं होता है तो, तीन प्लेयर्स यहाँ पे वापस वैसे वापस आ चुके हैं बट वो नेड काफी शानदार आदित्य भी हुए डाउन, एक 1v3 सिनेरियो बनता हुआ 8-bit माइटी लास्ट मैन स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग एंड दे लीजिए। बाकी सारे प्लेयर्स का मनोबल डाउन हो तो फिर आईजीएल वो खुद आगे बढ़े बट अभी के लिए अगर हम बात करें पेंगे बट अपेक्षाएं रहेंगी के बट मजा आएगा देखने में वो पहला नॉक कौन निकालेगा। कम हमें देखने को मिलता है आने पर उनका रोटेशन विश्व के लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है और साथ ही साथ बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी वो दिक्कतें बढ़ाई जा सकती है। विश्व का वो ग्रेनेड बिलीव को भी डाउन करेगा, एम बॉट वो भी डाउन कर दिए गए, हालांकि जैप आए उन्होंने किंग को नॉक किया, किंग को समाप्त भी कर दिया गया। अब सारी जो भार है वो स्टेंज के कंधों पर आती है, यहां से वो दो फिनिशर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं पर K9 मौका उनके पास बहुत ज्यादा था। पर मैं जरूर चाहूंगा कि स्टेंज कम से कम जाते जाते वो जो एक फिनिश है वो भी अपने साथ लेकर जाए। ओ बहुत क्लोज हो सकता था ये मुकाबला बट वो नेट निकालना इस समय पे भारी पड़ा उनको बट बिलीव क्या उनको बचाया जा सकता है, पहले जाना चाहिए था, वो हील करने बैठ गए और असिस्टेंट टीम है बट वहीं अगर टीएमजी की बात की जाए काफी बेहतरीन पोजीशन जोन के अंदर बट यहाँ देखिए मेडल के सामने टीएस की स्क्वाड जो बहुत लेट रोटेशन कर रहे थे, ज्यादा कुछ वहां पे वो कर नहीं पाए और मेडल क्या शानदार शुरुआत हुई है इस टीम की। पैराडॉक्स को तो देखिए 4 फ्रैग्स ही आईजेल अपने लिए निकाल चुका है। डेमिगॉड वो आगे गए और उनको वहां पर नॉक किया गया, निंजा वो गाड़ी लेकर खिलाड़ी सीधा चला गया और वेनम के ऊपर से वो गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गए और अभी भी निंजा को स्पॉट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फैंटम के लिए वो खिलाड़ी सामने मौजूद है, डीबीएस वर्सेस S12 की एक बार फिर से फाइट हुई, फैंटम डाउन कर दिए गए पर एक और खिलाड़ी जो पहले आगे गया था साय वो भी नॉक हुए और साथ ही साथ वो जो आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे निंजा उनको भी आर्यन के द्वारा डाउन किया गया। दरवाजों की प्रक्रिया उन्होंने भी शुरू करी बट ड्रैगन के स्टार बॉय 2 फ्रैग उन्होंने निकाले जरूर वहां पे बट वो भी वहां पे नॉक हुए। देखने की बात है INT के जो प्लेयर्स है मेजी बहुत लेट रोटेशन किया और ज्यादा फ्लैम्बॉयंट रोटेशन नहीं था उनका, ब्लू जोन के एज पे जाके रुके वहां से फाइट्स ली, क्या ये कैलकुलेटेड मूव उनको जोन के अंदर पहुंचा पाएगा? मुझे लगता है पहुंचा पाएगा, सही समय पे खत्म किया उन्होंने ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को। आल्टो ने पोजीशन अच्छी बनाई इवन दो वो रिस्क था, जली हुई गाड़ी लेके गए बट अब उनके पास एक अलग एंगल है और उधर देखा जाए तो फैंटम रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं, वेनम को क्या रिवाइवल मिलेगा ये भी एक सवाल। जी नहीं, जोन के एज को कैलकुलेट पूरी तरह से नहीं किया, रिवाइवल मिला और इस टीम ने कभी हार नहीं मानी। आल्टो का रोटेशन काफी अच्छा था बट अब वो ओपन में पकड़े गए, नॉक हुए, खत्म भी बहुत आसानी से किया गया उनके। बट INT तीन प्लेयर्स नंबर्स गेम एडवांटेज वो देखने को मिलेगा, यानी कि जहां जो है वहीं पर वो मौजूद रहेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। वेनम वो ऊपर उठ गया खिलाड़ी और ओपो को उन्होंने नॉक किया, ओवर FTW भी डाउन कर दिए गए, 10 वो बचेंगे, एक आखिरी खिलाड़ी और वेनम
उन्होंने पूरा मैच पलट दिया और आईको बीएमपीएस 2024 की शुरुआत गॉड्स रेन करेंगे विना विना चिकन डिनर के साथ। वो यही लगी कि वो जोन के एजेस पे खेल रहे थे, ब्लू जोन के साथ आगे बढ़ रहे। मेरा मार बहुत इंपॉर्टेंट और कोई वेपन है या फिर नहीं, पर शैडो जी फिलहाल के लिए नॉक कर दिए गए। पर ये क्या हुआ, डेमी गॉड उन्होंने उसी का बढ़िया इस्तेमाल किया, उन्होंने अपोलो को भी डाउन कर दिया, ट्रिगर वो भी डाउन कर दिए गए और अब विक्स की वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। कहीं ऐसा ना हो कि ये टीम सबसे पहले एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई दे, पर डेमी गॉड एचपी उनकी बहुत ज्यादा और विक्स की शॉटगन के साथ तैयार। मात्र 24 एमओ हमें देखने को मिल रहा है उस माइक्रोजी में और इसके साथ अगर वो आगे गए तो एक राउंड की चीज ऊपर चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करने वाली है। लेकिन वसिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एक एक करके यहाँ पे बाहर हो रहे, ग्रेनेड के कारण काफी ज्यादा डैमेज और इसी के साथ खात्मा होता हुआ हमें देखने को मिला। ये माहौल होगा पर यह जो ऊपर खड़े थे खिलाड़ी उन्होंने फ्यूरी को नॉक कर दिया और फ्यूरी की तरफ से ये गलती हुई जरूर है, पर मैं बात कर ही रहा था फैंटम की। उन्होंने विन 94 का इस्तेमाल किया, एक खिलाड़ी नॉक कर दिए गए अल्तू, उनके पास पूरा मौका, सामने वो जा सकते हैं फाइट लेने के लिए, पर वो एडीएस क्लोज रेंज में एडीएस खुल गया और उसके चक्कर में वो जो मूवमेंट थी वो उनकी ब्लॉक हुई और अब फैंटम बचेंगे आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं उनका भी एलिमिनेशन और एक 1v3 हमें देखने को मिल रहा है इतने कमाल के फाइट के बाद। पर आई फॉर आई आप कह सकते हैं कि ये चिकन डिनर बहुत आसानी से वो निकाल सकते हैं, जोन का एडवांटेज उनके पास है। यूसी एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई थी और यहाँ पर वेज बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, हालांकि अपने खिलाड़ी को वो बचा नहीं पाए, यश उनको भी डाउन कर दिया। और वेज को आप देखें जाते जाते वो जरूर चाहते हैं कि जितने फिनिशर्स हैं वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाए क्योंकि वेज उनके पास एचपी बिल्कुल भी नहीं है और मैक्सी को उन्होंने समाप्त भी कर दिया और जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था रैंगो उनको भी एलिमिनेट उन्होंने कर दिया। सब कुछ निर्भर करेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, शॉट पड़ा लेकिन प्ले जोन के कारण हमें उनका खात्मा होता हुआ देखने को मिला और यहां से तो लग रहा है कि ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स उस पहले चिकन डिनर की कोशिश यहां पे हो सकती है। था जो जोन के अंदर मौजूद था पर डुअरा उन्होंने ओसायरिस उनको देखा, साइफटीडब्ल्यू वो भी डाउन कर दिए गए, निंजा बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं वो भी समाप्त। दूसरे पेज की तरफ और वहां पर पिछले मैच के जो विजेता थे उनको आप शून्य ढूंढ ना पाया तो दूसरे ग्रेनेड के साथ वो ट्राई करेंगे और बहुत ही क्लोज बैटल है, उन्हें लगा कि शायद गेट के आसपास है बट जी नहीं, वो ब्रोकन वॉल के थोड़ा पीछे यहाँ पे खड़े थे और इसी का फायदा उठा रहे बट एक एक करके खिलाड़ी यहाँ पे डाउन होते ही चले जा रहे बट यश की तरफ से एक अच्छा काउंटर, काफी स्नीकी प्ले था यश की तरफ से, वो ऊपर बैठे थे वहां पे और जैसे ही प्लेयर टॉप डॉग आए उनको नॉक किया और स्ट्रेट अवे उनको फिनिश किया गया। यश दो फ्रांस निकाल चुके हैं, पिछले मैच में एक अच्छा 1v3 भी किया था जो पहला एरंगल था, है वाइपर के पास कि वो यहां से एक क्लच करके जा सके, एटलीस्ट उनको कोशिश भी करनी चाहिए बट नहीं। दूसरी तरफ एक थर्ड पार्टी सिनेरियो, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स का आगमन हुआ इस फाइट के अंदर, वो कर रहे थे टॉप 3 में अपनी टीम को लेके आए बट सब कूदेंगे सुपरमैन जंप के साथ, चारों प्लेयर्स एक साथ कूदे, तो वो एक बेहतर डिसीजन भी। और चलते हैं सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स की तरफ जहां पे वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स टीएमजी मीनवाइल अच्छा कंपाउंड होल्ड, समझो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर डिसीजन भी। और चलते हैं सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स की, टीएमजी मीनवाइल अच्छा कंपाउंड होल्ड, पहला पायदान आपको देखने को मिल जाएगा टीम 8-bit के पास, 60 टोटल अंक बाकी की 16 टीम्स के ऊपर। जनता को बताना चाहूंगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मिलाकर के ये ओवरऑल स्टैंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है।